चाहिए एक तकिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हैरी। डैड, आज भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई क्या? थके हुए लग रहे हो। क्या हुआ हैरी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इन दिनों मेरे कंधों में बहुत दर्द महसूस हो रहा है, शायद मेरे तकिए की वजह से है। मेरा तकिया बहुत पुराना हो गया है, मुझे अब नया तकिया ले लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ननका दीदी के गालों जैसा नरम नरम। हाँ सही कहा बेटा, ठीक ऐसा ही तकिया लूंगा मैं। यहाँ पर तकिया मिलता है। हाँ। अरे वाह, ये तरह के तकिए हैं। हाँ वो तो है। ये देखिए हैरी, ये कितना नरम और मुलायम है, ये तकिया बिल्कुल ठीक रहेगा हैरी। अच्छा तो है पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। डैड डैड ये देखिए, मुझे ये पसंद है। आज से मैं रोज एक्शन कमिन और क्वांटम रोबोट के साथ सोऊंगा। इतना बड़ा तकिया हमारे अलमारी में फिट नहीं आएगा शिनचैन, जाओ जाकर वापस रख दो। मैम आप उसे प्यार नहीं करती, इसीलिए आपका दिन भर दिन वजन बढ़ता जा रहा है। पर तुमसे प्यार करना और मेरा वजन बढ़ने का कोई लेना देना है ही नहीं। अरे बस भी करो। मिट्सी, मुझे ये पसंद आया है। इतना ज्यादा? हाँ पर क्वालिटी भी तो उतनी अच्छी है ना। पर इसका दाम बहुत ज्यादा है हैरी। लेकिन अगर मेरे कंधे का दर्द कम नहीं हुआ तो नया तकिया लेने का क्या फायदा? आपकी बात तो सही है पर बसंत ऋतु की सुबह बहुत ही सुंदर होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर आसमान सूरज की रोशनी से धीरे धीरे जगमगा उठता है। डैड ये अंकल नींद में बड़बड़ा रहे हैं। मैं जाग रहा हूँ, वो मेरा चेहरा ही ऐसा है। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ माकुरानो सोशी, मैं तकिया सलाहकार हूँ, ये रहा मेरा कार्ड। माकुरानो तकिया सलाहकार? जब आप तकिया शब्द कहते हैं तब उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज सख्त या मुलायम कई तरह की होती है और इसकी लंबाई भी अलग अलग होती है। कस्टमर की पसंद और उनकी परेशानियों को समझकर हम आपको सुटेबल तकिया दे सकते हैं, यही मेरा काम है। ओ नहीं, प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। अब ये नींद में रो रहे हैं। मैं जगा हुआ हूँ। अच्छा बताइए, क्या आपको कोई परेशानी सता रही है? ये अपने पैर रोज धोते हैं लेकिन फिर भी बदबू आती है। ये मेरे पैरों के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे। आजकल मेरे कंधों में बहुत दर्द महसूस होता है और पूरी रात सोने के बाद भी फ्रेश नहीं लगता। अच्छा मैं आपकी परेशानी समझ गया, इसके लिए आपको स्पेशल कस्टमाइज्ड तकिया लेना चाहिए। यहाँ गौर से देखिए सर। अरे इतना? मुझे तो ये तकिया अच्छा लगा मिट्सी। देखिए मेरा चुना हुआ तकिया सही है। मुझे पता है कि चार दिन में आपका तकिया खराब हो जाएगा, इसलिए मेरा वाला ही लेंगे। क्या ये आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत ज्यादा है। हाँ मैडम मैं मानता हूँ कि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये कस्टमाइज तकिया आपकी फेवरेट मटेरियल से बनता है मैडम, और इसकी लंबाई भी आपकी बॉडी के हिसाब से रखी जाती है। ये आपकी फिटिंग का बनता है, ये तकिया खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनता है। ये देखिए ये मेरा तकिया है, मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ, ये बिल्कुल मेरी फिटिंग का है। माफ कीजिएगा, इस तरह का कस्टमाइज तकिया इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद मिलेगी। आपको कंधों की जकड़न शायद इसीलिए क्योंकि आपका तकिया आपकी फिटिंग का बिल्कुल नहीं है, आप पूरी रात तकलीफ में निकालते हैं, और तो और सुबह उठने के बाद आपको लगता है कि आप तो रात भर बिल्कुल भी सोए नहीं हैं। इन बातों में दम नहीं है। अच्छी नींद ना होने के कारण पूरे दिन आपका काम खराब होता है। अगर आपकी नींद अच्छी से हो तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपका काम अच्छा होगा, आपके काम से आपके बॉस खुश होंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा। हैरी को प्रमोशन मिलेगा? हाँ जी हाँ, पिछले महीने एक कस्टमर ने हमारी शॉप से तकिया खरीदा था, मैंने सुना है उन्हें डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोशन मिल गया। इतना ज्यादा सरदार है। मैम क्या सच में आपको इनकी बातों पर विश्वास है? वैसे मैं इसे रोज इस्तेमाल करने वाला हूँ, मेरे ख्याल से इसे खरीदना फायदेमंद होगा मिट्सी। मैंने जो तकिया चुना है वो भी काफी अच्छी है हैरी, मेरी बात मानिए। डैड जाने दीजिए। जी मैडम, आपके पति हर रोज अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जरा सोचिए इससे आपके पति का प्रमोशन हो गया और उनकी सैलरी बढ़ गई तो सबको कितनी खुशी होगी। ये सपने में होता है, हकीकत में नहीं। और तकिया खरीदने के बाद एक साल तक उसका मेंटेनेंस हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। मेरी मॉम को फ्री शब्द बहुत पसंद है। ठीक है ले लो। सुनिए अंकल,
क्या आप मेरे लिए भी तकिया बना देंगे? हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हें किस तरह का तकिया चाहिए? मुझे फुकाड़ा क्योको की पिक्चर वाला तकिया चाहिए। अरे ये क्या बात हुई, मुझे क्यों नहीं, मुझे भी चाहिए। मैं उसकी पहली फिल्म से फैन हूँ, उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला हक मेरा बनता है, मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। ये तो मुझे मुझे और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं मुझे चाहिए, नहीं सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। ये दोनों कितने अजीब है। सबसे पहले आप अपने तकिए के लिए इसमें से अपनी पसंद का मटेरियल चुन लीजिए। वैसे जिन्हें कंधों में जकड़न की परेशानी होती है उन्हें हम थोड़ा सख्त मटेरियल रिकमेंड करते हैं, जैसे कि ये। अच्छा, लेकिन मेरे लिए ये शायद थोड़ा ज्यादा मुलायम हो जाएगा, है ना? मैंने अपने लिए मुलायम वाला बबल रैप चुना है। माफ कीजिए। तो आपने देख लिया क्या, आपने अपनी पसंद का मटेरियल चुन लिया? मैंने मीडियम सॉफ्ट वाला चुना है। मुझे एक्स्ट्रा सॉफ्ट चाहिए। हाँ ये वाला आपके लिए बहुत ही आरामदायक रहेगा, अच्छी चॉइस होगी। अब डिसाइड करते हैं आपके तकिए की लंबाई कितनी होगी। तकिए की लंबाई आपके गर्दन के मोड़ से मैच करनी चाहिए, अगर वो ज्यादा लंबा या छोटा हुआ तो आपको परेशानी होगी। मैं आपको कुछ ट्रायल्स देता हूँ, आप प्लीज बताइए कौन सा ठीक है। आप जैसा बताएंगे हम वैसा ही करेंगे। ये बहुत ऊंचा है और मुझे ज्यादा दर्द होगा। ये अभी बहुत ऊंचा है, थोड़ा सा और। नहीं कम हो गया। ठीक है, हम परफेक्ट मेजरमेंट ले लेते हैं। जब आप खड़े रहते हैं वही पोस्चर आपका सोते समय भी होना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। आपकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। मेरा भी मेजरमेंट ले लीजिए ना। तुम्हारी कमर कैसे नापेंगे? बताइए कैसा लगा? ओहो ये परफेक्ट है। ठीक है, मैं इसे 5 सेंटीमीटर कर देता हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जी ठीक है, शुक्रिया। ओहो अरे वाह, काम हो गया। बहुत अच्छे। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा, प्लीज ये ट्राई कीजिए। ये सचमुच कमाल का है। वाह वाह क्या बात है, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। मुझे भी ये अच्छा लगा डैड, इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। हाँ मुझे यकीन है इससे मेरे कंधे ठीक हो जाएंगे और बदबूदार पैर भी। वो इससे ठीक नहीं होंगे, समझे तुम? आहा, अब मुझे अच्छी नींद आएगी। और ये रही मेरी हेड कैप।